सांसद नवनीत राणा ने थाना में किया हंगामा। लव जिहाद के मामले का आरोप लगाकर काटा बवाल। पुलिस इंस्पेक्टर पर कॉल रिकॉर्ड करने का आरोप। हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर विवाद से चर्चा में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वो पुलिस थाना में हंगामा करती हुई दिखी, जिसका एक वीडियो सामने आया है। नवनीत राणा ने आरोप लगाया है कि अमरावती में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़े, जिसमें पुलिस लापरवाही कर रही है। थाने में हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में नवनीत राणा थाना प्रभारी पर दबाव बनाती दिखती हैं। नवनीत राणा के साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद हैं, जो नारेबाजी और नवनीत राणा का साथ दे रहे हैं। नवनीत राणा थाना प्रभारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। देखिए एक बार फिर से ये वीडियो। सांसद नवनीत राणा का ये रौद्र रूप महाराष्ट्र के राजा पेट पुलिस स्टेशन के अंदर का है, जहां वो कथित लव जिहाद के मामले में पुलिस स्टेशन पर गई थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों के साथ हुई बहस के दौरान नवनीत राणा ने कॉल को रिकॉर्ड करने का भी आरोप लगाया। जब नवनीत राणा राजापेट पुलिस स्टेशन में पहुंची, तब वहां उनकी पुलिस निरीक्षक मनीष ठाकरे और डीसीपी के साथ जोरदार बहस हो गई। राणा ने कहा कि यह एक लव जिहाद का मामला है, जिसमें एक विशेष धर्म के लड़के ने लड़की को भगाया है और जब तक लड़की को सुरक्षित वापस नहीं लाया जाता, तब तक वो पीछे हटने वाली नहीं है। नवनीत राणा ने कहा इस बात का भी खुलासा हो आखिर कैसे धर्म विशेष के युवक हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा कर उनके साथ बच्चों को जन्म देते हैं, फिर उन युवतियों को छोड़ देते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर दोषी युवक को पुलिस स्टेशन लाया गया है तो उसके परिजनों को क्यों नहीं बुलाया गया, अगर उन्हें बुलाते तो शायद अब तक लड़की का पता चल जाता। नवनीत राणा ने पुलिस स्टेशन में फोन रिकॉर्ड करने का भी आरोप लगाया। राणा ने कहा कि मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह काम किसके आदेश पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस स्टेशन में अमरावती की पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को नहीं बुलाया जाता, तब तक वह पुलिस स्टेशन से जाने वाली नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक दलित महिला होने की वजह से मेरे साथ ये सब किया जा रहा है। आरोप है कि अमरावती लव जिहाद का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। बीते 8 दिनों में यहाँ 5 मामले आ चुके हैं। बीती रात को भी 19 साल की हिंदू युवती लव जिहाद का शिकार हुई है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया है,
लेकिन अभी तक उस लड़की का कुछ पता नहीं चल पाया। आरोपी अभी तक लड़की का कोई सुराग नहीं दे रहा है। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं का आरोप है कि पुलिस को आखिर आरोपी युवक लड़कियों का पता क्यों नहीं बता रहा है, क्या वह जीवित है या उसे मार दिया गया है। नवनीत राणा समेत कई नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पुलिस इस मामले में संजीदगी नहीं दिखाती तो हमारे पास कानून हाथ में लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।